अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे यहाँ की सबसे कॉमन डिश है ये भुनी हुई चटनी प्याज वाली। इसके लिए लिया है मैंने लहसुन और ये मिर्च है जो बिना मिर्च वाली आती है, हल्की मिर्च वाली, थोड़ा सा जीरा, जायके के मुताबिक नमक और दो लिए हैं टमाटर, क्योंकि ये छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसलिए दो ही लिए हैं मैंने। और ये मिर्च को मिक्सी में डाल लूँगी मैं, टमाटर डाल दिए हैं इसमें काट कर, ये ज़ीरा, नमक, ये मिर्च स्पेशल आती हैं चटनी वाली बोलकर, इसमें बहुत कम मिर्च होती हैं और जायका बहुत होता है इसकी। सब ये हम तोड़कर इसमें डाल देंगे। बिल्कुल छोटा सा लहसुन लिया है मैंने, बिल्कुल छोटा सा, इसके कुछ जवे डाल दिए हैं इसके अंदर, और इसको पीस लेना है हमें बारीक, ये पीस जाएगी। ये देखिए आप, 1 मिनट के अंदर ये पीस कर तैयार है, और मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे हमारी इस डिश को तैयार होने में। काट ली है प्याज और इनको डाल दिया है हमने एक कढ़ाई में पकने के लिए। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, इसको अच्छी तरह से तेल में पका लेना है हमें। ये प्याज पक रही है, 2 मिनट मैंने इसको ढककर बनाया है, ये देखिए आप, और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं वो पिसी हुई चटनी, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, और अब ये इसके अंदर डाल दी मैंने पिसी हुई चटनी। कई मरतबा हम टमाटर इसमें पीसते नहीं, काट कर भी डाल देते हैं, लेकिन मैंने पीस लिए हैं, मिर्च अच्छी तरह से पिस गई है टमाटर के साथ। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से पकनी शुरू हो गई है। और फ्रेंड्स, मैं आपको क्या ही बताऊं, जो इसकी खुशबू इस टाइम में ले पा रही हूँ, बहुत बहुत जायके वाली खुशबू इसकी आ रही है। जस्ट डालने के बाद ही इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आने लगती है। और ये देखिए आप, कुछ ही मिनटों में और बहुत जायके वाली ये चीज़ बनकर तैयार है। ये सब तेल इसने एक तरफ निकाल दिया है, ये देखिए आप, इससे हमें पता चलता है बहुत अच्छी तरीके से पक गई है। फ्रेंड्स, इसको आप घी लगी हुई रोटी के साथ इंजॉय करें, पराठों के साथ, इसको पूरी फैमिली माशाल्लाह बड़े शौक से खाती है। हमारे साथ इसी तरह बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, और प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक्स हमें मिलें, इसीलिए हम ये वीडियोस बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।